हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द होम बेकर। आज मैं आप लोगों के साथ 2 kg के मिक्की माउस केक की रेसिपी और डेकोरेशन शेयर करने वाली हूँ। मिक्की माउस केक में जो फेस होता है, आज हम वैसी डेकोरेशन करने वाले हैं। तो मिक्की माउस का केक बनाने के लिए मैंने 6 इंच के केक टिन में 360 ग्राम प्रीमिक्स लेकर ये केक स्पॉन्ज रेडी किया है और अब हम इसकी 3 लेयर कट करेंगे। दोस्तों, ये केक मैं जो बना रही हूँ ये 2 kg का है, इसलिए मैंने इसका जो फेस है वो 6 इंच के केक टिन में बेक किया है। अगर आप 1 kg का बना रहे हैं तो आप इसे 5 इंच के केक टिन मोल्ड में बेक कीजिएगा। और मिकी माउस के ईयर बनाने के लिए मैंने 2 स्पॉन्ज अलग से बेक किए हैं। इसे मैंने 90 ग्राम प्रीमिक्स से 3 इंच के केक टिन में बेक किया है और अब हम इसे भी 3 लेयर में कट करेंगे। और ये कि ये दूसरा वाला बेस है, इसे भी मैंने 90 ग्राम प्रीमिक्स से 3 इंच के केक टिन में बेक किया है और अब हम इसे भी 3 लेयर में कट करेंगे। तीनों ही स्पॉन्ज की हमने लेयर कट करके रख ली है और अब बारी आती है क्रीम को व्हिप करने की। तो ये जो हम केक बना रहे हैं मिक्की माउस केक, ये हम पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रहे हैं। इसके लिए क्रीम जो बीच में हम लेयरिंग करेंगे, इसके लिए मैं पाइनएप्पल क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप पाइनएप्पल एसेंस ऐड कीजिएगा। अभी मैंने ये पाइनएप्पल क्रीम ली है, 360 ग्राम क्रीम लूँगी मैं और इसे व्हिप करूँगी। और ये वाली क्रीम जो है वो मैंने पहले ही निकाल के रखी थी, लेकिन ये अच्छे से मेल्ट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही व्हिप किया है। और ये देखिए, व्हिप करते हुए अच्छे से स्टिफ पीक्स आ गई हैं, हमारी व्हिपिंग क्रीम एकदम रेडी है। तो अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर के रेडी करेंगे। और अब मैंने केक बोर्ड लिया है और इस पर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है। क्रीम लगा के हम इसे अच्छे से फैला लेंगे, क्योंकि हमने 3 अलग अलग स्पॉन्ज बेक किए हैं, तो इन्हें अच्छे से स्टिफ रखने के लिए क्रीम को हमने अच्छे से फैलाया है, जिससे कि जो स्पॉन्ज है वो खिसके नहीं। ये देखिए, मैं अच्छे से क्रीम लगा रही हूँ, जिससे कि इसके ऊपर जब भी हम स्पॉन्ज रखेंगे तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये मैंने केक की फर्स्ट लेयर को रखा है, इसे अच्छे से सोक करेंगे। सोक करने के लिए मैंने पानी में पाइनएप्पल क्रश को मिक्स किया है और अब हम मैं इससे सोकिंग कर रही हूँ। और इसके बाद जो पाइनएप्पल क्रीम हमने व्हिपिंग बैग में भर के रेडी की थी, उससे अच्छे से लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के बाद मैंने स्पैचुला की हेल्प से, पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड किया है। और आज मैं मालास की जो फिलिंग आती है इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं पाइनएप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल का यूज़ करती हूँ, लेकिन आज वो मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था, इसलिए आज मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर अभी तक आपने इसे यूज़ नहीं किया है तो यूज़ ज़रूर कीजिएगा। के बाद मैंने मालास का पाइनएप्पल क्रश भी यूज़ किया है, इसे भी मैंने ऊपर से डाल के अच्छे से स्प्रेड किया है। और इसके बाद हम बेस की सेकेंड लेयर को रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से सोक करेंगे। सोकिंग के बाद मैंने अच्छे से इसके ऊपर क्रीम लगाई है। क्रीम लगाने के बाद इसे पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर मैंने पाइनएप्पल क्रश लिया है, मालास का पाइनएप्पल क्रश है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप भी इसे यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैंने मालास की पाइनएप्पल फिलिंग डाली है और इसके बाद केक की 3rd लेयर को रखा है और अब हम इसे भी अच्छे से सोक करेंगे। सोक करने के बाद अब बारी आती है केक को क्रम कोट करने की। तो क्रम कोटिंग के लिए मैंने पाइपिंग बैग का यूज़ किया है, इससे क्रीम भी कम लगती है, आपको टाइम भी कम लगेगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी। मैंने केक की चारों तरफ वॉल पे अच्छे से क्रीम लगाई है और पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। जितने भी गैप आपको बीच में दिखते जाएं, आप उसे क्रीम से कवर करते जाइए और फिल करते जाइए। ये देखिए, साइड वॉल पे मैं लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने शीट वाला स्क्रेपर लिया है, इसकी हेल्प से मैं क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। जहाँ भी आपको लगे कि थोड़ा सा गैप है या होल जैसा दिख रहा है, वहाँ आपको क्रीम फिल कर देनी है। ये देखिए, वॉल पे कितने अच्छे से क्रीम लग गई है।
बहुत ही अच्छे से स्प्रेड किया है मैंने। उसके बाद अब मैं केक के टॉप पे भी क्रीम लगा रही हूँ पाइपिंग बैग की हेल्प से, और इसे पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड किया है मैंने। केक को क्रम कोट करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि केक के ऊपर क्रीम की एक अच्छी सी लेयर आ जाए, जिससे कि केक के जितने भी क्रम्स हैं जो कटिंग के दौरान निकले हैं वो सारे ही सेट हो जाएं, और फाइनल फिनिशिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फाइनल फिनिशिंग के टाइम में जब क्रीम के ऊपर क्रम्स दिखने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती और केक का लुक भी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप क्रम कोट करते वक्त बेस आपका जहाँ भी दिख रहा है तो उसे क्रीम से कवर कीजिएगा, और उसके बाद उसे फ्रिज में रखने के बाद 15 मिनट के बाद आप उसमें फाइनलाइजिंग कीजिएगा। ये देखिए, मुझे जहाँ भी लग रहा है कि थोड़ा सा बेस दिख रहा है वहाँ मैंने उसे अच्छे से क्रीम से कवर किया है, और इसके बाद मैंने बेस को जो है केक स्पॉन्ज को क्रम कोट करने के बाद फ्रिज में रखा था, और अभी मैंने फ्रिज से निकालने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से फिनिशिंग दी है। और इसके बाद मैं एक टूथपिक की हेल्प से मिक्की माउस के फेस को ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने फ़ोन में एक फ़ोटो निकाल के रखी है मिक्की माउस केक की, जो मेरे कस्टमर ने पसंद की थी, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा था, बस उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा डेकोरेशन कर रही हूँ। फेस के लिए मैंने वाइट क्रीम में थोड़ी सा ब्राउन कलर एक दो ड्रॉप डाल के ये वाला कलर रेडी किया है, और मिक्की माउस के फेस पे, पूरे फेस पे मैं छोटा वाला जो स्टार नोज़ल आता है उसकी हेल्प से इसको फिल करूँगी। ये देखिए, अगर आपके पास स्टार नोज़ल नहीं है तो आप सिंपली पाइपिंग बैग को छोटा सा कट करके भी इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है और आपको इसके लिए किसी नोज़ल की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हम मिक्की माउस के फेस को इस क्रीम से कवर कर देंगे, और इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें मैंने क्रीम में थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ा सा ब्राउन कलर दोनों को मिक्स करके ये वाला कलर बनाया है, और इससे हम इसे फिल करेंगे। स्टार नोज़ल से डिज़ाइन बनाते वक्त जो बीच बीच में थोड़े से गैप दिखते हैं तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब आप स्टार नोज़ल से इसको फिल कर रहे हैं तो आप करते जाइए, कोशिश कीजिएगा कि दो स्टार्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रह जाए, लेकिन अगर गैप रह भी जाता है तो लास्ट में आप क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के उसमें छोटा सा एक कट कीजिए, और जहाँ भी आपको लगता है कि गैप दिख रहा है वहाँ आप सिंपली उस पाइपिंग बैग की हेल्प से उसे फिल कर दीजिए। और उसके बाद जो वॉल थी केक की मिक्की माउस की, उसे मैं रेड कलर की क्रीम से फिल कर रही हूँ। सिंपली मैंने इसमें भी स्टार नोज़ल लगाया है और रेड कलर की क्रीम को फिल करके मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, और पूरी ही वॉल को हमें इसे ऐसे ही कवर करना है। दोस्तों, यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है जिससे कि आपको पूरा वीडियो देखने तो मिले ही, थोड़ा सा भी मैंने कट नहीं किया है, बस थोड़ा सा फास्ट किया है जिससे कि आप देखें कि मैंने किस तरह से किया है। और अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा भी कट कर देती तो आपको देखने में मज़ा नहीं आता, और अगर मैं इसको फास्ट नहीं करती तो शायद आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने इसे थोड़ा फास्ट किया है। और इसी तरह मैंने पूरे केक को कवर किया है रेड कलर की क्रीम से। जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे भी ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।
और ये देखिए, अब लगभग हमने केक की साइड वॉल को लगभग कवर कर लिया है, और अब ये लग रहा है ना मिक्की माउस जैसा। अभी ही लुक इसका बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जब जो इसके जो बाकी पार्ट हैं, जैसे आईज़ वगैरह हो गई, अभी हमने इसे कवर नहीं किया है, लेकिन जब कवर करेंगे ना तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह से ये वॉल कवर हो गई है, और अब हमने जो ब्राउन कलर बनाया था, कलर और चॉकलेट को मिला के, इसी से मैंने मिक्की माउस का माउथ बनाया है, लाइन किया है, और इसके अंदर, और ये देखिए, इसी से मैंने मिक्की माउस की आईज़ भी ड्रॉ की है। और ये जो आप छोटे छोटे डॉट बनाते हुए देख रहे हैं ना मुझे, इसमें मैंने कोई भी नोज़ल नहीं लगाया है। इसे मैंने सिंपली क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल किया है, छोटा सा कट लगा के मैंने डॉट डॉट बनाया है। और इसी तरह जो मिक्की माउस की मैं जो आईज़ बना रही हूँ, इसके लिए भी मैंने कोई नोज़ल नहीं लगाया है। इसे व्हाइट क्रीम को भर के मैंने छोटा सा कट लगा के डिज़ाइन बनाई है। और ये रेड कलर की क्रीम जिससे मैं माउथ में फिल कर रही हूँ, इसे भी मैंने ऐसे ही किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं ना स्टार नोज़ल वगैरह से, यहाँ पर अगर यूज़ करेंगे ना तो डिज़ाइन एकदम उभर के नहीं आएगी, और जो हमने बॉर्डर बनाई है ना तो डिज़ाइन बॉर्डर के बाहर चली जाएगी। इससे क्या होता है, हमें केक में फिनिशिंग नहीं दिखती है। और ये देखिए, ऊपर जहाँ पे व्हाइट कलर की बॉर्डर छोटी सी दिख रही थी ना, उसे भी मैंने अच्छे से रेड कलर की क्रीम से, स्टार नोज़ल से फिल कर दिया है। और ये देखिए, और इसके बाद इसकी आईज़ को कंप्लीट करेंगे। और अब बारी आती है केक बोर्ड को क्लीन करने की, तो इसके लिए मैंने सिंपल टिश्यू पेपर लिया है, और इसकी हेल्प से जहाँ भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है उसे मैं साफ़ कर दूंगी। आई होप फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि स्टार नोज़ल को यूज़ करते वक्त कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पाइपिंग बैग में उसी कलर की क्रीम को फिल कीजिए, थोड़ा सा कट कीजिए, और जितने भी गैप हैं उन्हें आप फिल कर दीजिए। और इसके बाद मैंने व्हाइट कलर का फाउंडेंट लिया है, और इसमें थोड़ा सा येलो जेल कलर मिक्स किया है। देखिए, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम डो तैयार करते हैं ना रोटी वगैरह का, उसी तरह अच्छे से हाथों से मसल के मैंने इसे रेडी किया है। थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डस्ट किया है, और पेपर के ऊपर मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी। फाउंडेंट वाला जो रोल आता है, जो मैट आती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली ये पेपर के ऊपर भी आप इसे बेल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चिपकता भी नहीं है फाउंडेंट, आप इजीली इसको बेल पाएंगे। और ये जो बड़े वाले जो नोज़ल आते हैं, उसकी हेल्प से मैं इसे राउंड राउंड कट कर रही हूँ एक से शेप में, ये देखिए। और मिक्की माउस की जो वॉल है, साइड वॉल, उस पर मैं येलो कलर के फाउंडेंट से ये डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि कस्टमर ने मुझे जो फ़ोटो भेजा था उसमें इसी तरह की डिज़ाइन थी, तो मैंने उसे पूरा कॉपी करने की कोशिश की है जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया। और इसके बाद केक को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और थोड़ी सी शाइन ऐड करने के लिए, मैंने इसके ऊपर सिल्वर स्प्रे किया है। और ये देखिए, हमारा मिक्की माउस केक, 2 केजी का मिक्की माउस केक बनके रेडी है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज के केक का डेकोरेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेकोरेशन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय।